Hey, what's up guys? This is me, Lovjit Arora. स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल का माहौल है। CBSE बिल्कुल 1 तारीख से स्टार्ट कर चुका है अपने प्रैक्टिकल। तो आप बच्चे भी हैं जो सर्च कर रहे होंगे कि यस, मुझे प्रैक्टिकल फाइल और प्रोजेक्ट है जो कहीं से थोड़ा बहुत भी मिल जाए तो मेरे को हेल्प मिल जाएगी और मैं चीज़ें बहुत अच्छे से कर लूँगा। तो चलिए, बिल्कुल आपकी यहाँ पर हेल्प करते हैं। और आज हम लोग जिस प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है जी मूवी रेंटल शॉप मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो इस प्रोजेक्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कोडिंग पोर्शन को देखने से पहले एक बार मैं इसको रन करती हूँ और हम इसको चलाते हैं। एंड यस, जैसे ही मैं इसको रन करूँगी आप एक एक करके इसका आउटपुट जो है देखते जाएंगे। इसके अंदर जितने भी ऑप्शन आएंगे तो आपको काफ़ी सारे आइडियाज लगते जाएंगे, है ना, कि आप अगर ये सेम प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर कोई भी और एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कि इसी से मिलता जुलता भी है। अगर नहीं भी मिलता जुलता तो भी आपको चीज़ें पता चलेंगी कि आपके प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें आप और इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर अगर आप शुरू से ही चीज़ें शुरू कर रहे हो तो आपको कैसे चीज़ें शुरू करनी है। ठीक है, तो चलिए अब यस, बच्चे का प्रोजेक्ट है जिसको हम यहाँ पर रन करके देखते हैं। एंड यस, सबसे पहले अपने पास में आ रहा है कि भाई ये प्रोजेक्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, टाइटल हेडिंग कर दें। ठीक है, अब यस, यूज़र आईडी पूछी गई है। ओके, अब यूज़र आईडी के लिए हम पहले आईडी देख लेते हैं। तो आपके पास में एंटर करते हैं ABC123। ओके, देन आपके पास एक प्यारा सा मैसेज आता है वेलकम वाला, और फिर आपको सारे के सारे ऑप्शन इसके अंदर दिखाए जाते हैं कि आप कौन से ऑप्शन पर हैं जो जाना चाहते हैं। तो 1 से लेकर के 8 इसके अंदर ऑप्शन है अलग अलग चीज़ को लेकर के। जैसे मूवी के ऑपरेशन के लिए जाना है तो यू हैव टू प्रेस 1, एम्प्लॉय के ऑपरेशंस के लिए जाना है, DV के लिए जाना है, तो अलग अलग आपको बटन्स यहाँ पर प्रेस हैं जो करने होंगे। जैसे कभी आपने कभी हम लोग फ़ोन करते हैं कहीं पर, है ना, तो आपको हिंदी में अगर करना है तो आप 1 दबाइए, नहीं तो आप 2 दबाइए, है ना। तो ऐसे करके आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी है जो देख रहे हैं, है ना। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम फ़ोन भी करते हैं तो सबसे पहले हमसे लैंग्वेज का ऑप्शन पूछा जाता है, उसके बाद में उसी लैंग्वेज में आके प्रोसीड करके एक एक स्टेप हमसे चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। तो ये प्रोजेक्ट भी आपका ऐसे ही है। आप बिल्कुल एक जीरो लेवल पर अपने आप को देखो और वहाँ से देखो कि चीज़ें आपके आसपास कैसे घूम रही हैं। चलिए, अब मैं सबसे पहले 1 प्रेस करूँगी क्योंकि हम एक एक करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर सारे के सारे ऑप्शंस को देख रहे हैं। तो जैसे मैंने 1 प्रेस किया, क्योंकि तो जो 1 है दैट इज रिलेटेड टू मूवी ऑपरेशंस। अब उसके अंदर फर्दर आपको 5 ऑप्शंस हैं जो बच्चे ने दिए हैं। सबसे पहला दिया है कि भाई अगर आपको एक नई मूवी को ऐड करना पड़ गया या फिर कोई एग्जिस्टिंग करती हुई मूवी में आपने कोई गलती कर दी या फिर आप उसको दोबारा जो है आप उसको एंटर करना चाहते हैं, या फिर आप कोई ऐसी मूवी है जिसको आपके पास अभी नहीं है तो आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, या फिर आप व्यू करना चाहते हैं किसी मूवी के इन्फॉर्मेशन, और या फिर आप अपने मेन मेन्यू में वापस जाना चाहते हैं। तो ऐसे आपके पास में 5 ABCDE करके ऑप्शन है, नहीं ABCDE नहीं, 1 2 3 4 5 करके है। तो इसको भी हम लोग सीक्वेंस वाइज देखते हैं। सबसे पहले 1 प्रेस करते हैं, और जैसे मैं इसमें 1 प्रेस करती हूँ और मैं साथ ही साथ आपको सारी की सारी CSV फाइल्स भी है जो दिखा देती हूँ। एक कस्टमर CSV फाइल है, एम्प्लॉय CSV फाइल है, फीडबैक है, मूवीज़ है और रेंटल्स है। अब अगर आपने इस प्रोजेक्ट को, जब मैंने इसको स्टार्ट किया था और आपने ध्यान से देखा होगा, बच्चे ने यहाँ ग्लोबली इन सारी फाइल्स को जो आपकी CSV थी उसको ओपन कर दिया। आपको बार बार किसी भी कंडीशन के अंदर जाकर के उस फाइल को खोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो इससे मेरे को पता भी चल रहा है कि अच्छा, ये 4-5 फाइल्स हैं जिनका यूज़ मैं आगे अपने प्रोग्राम के अंदर करने वाली हूँ। ठीक है, और ये भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्प्ले करा दी। अब क्योंकि तो कस्टमर टेबल से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, दोबारा अपने प्रोजेक्ट पर आएंगे और उसी आउटपुट पर जाएंगे। नहीं, कस्टमर से रिलेटेड नहीं, मूवी से रिलेटेड है, है ना। तो ऑफकोर्स मूवी से रिलेटेड है, तो movies.csv में इसके चेंजेस होने चाहिए क्योंकि आप एक नई मूवी को ऐड कर रहे हैं। ओके, तो अब मैं जैसे मूवी का टाइटल दे देती हूँ यहाँ पर, मैंने इसका टाइटल दे दिया। ठीक है, अब कौन से जेनर की है ये मूवी मेरे को भी नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर रोमांस डाल देती हूँ। ठीक है, अब ईयर हम डाल देते हैं 2023, और यस बिल्कुल आपकी ये जो मूवी है यहाँ पर ये ऐड हो चुकी है। एंड इसके लिए आप देखो यहाँ पर दिस इज कमिंग ऐसे कुछ। अब देखो क्या चीज़ है कि इसमें जो जेनर इसने दिया है ना,
अब मैं जेनर पर तो कुछ भी लेटर कर सकती थी, आई कैन एंटर माई नेम एज वेल, बट वो जेनर के अंदर आता नहीं है, है ना। तो इसमें उसको ऑप्शंस भी है जो मिल सकते थे कि तुम कौन से ऑप्शन में इस मूवी को डालना चाहते हो, ठीक है। 1 2 3 करके, कि 1 इज फॉर कह लो एनिमेशन के लिए, 2 एक्शन के लिए, ड्रामा के लिए, है ना। तो इस तरीके से आप उसको ऑप्शन दे सकते थे, क्योंकि अब उसके हाथ में ये चॉइस है कि वो जेनर की जगह कुछ भी डाले, है ना। तो आप उसको यहाँ पर एरर नहीं दोगे, क्योंकि वो तो सिर्फ डेटा आपका जा रहा है। तो यहाँ पर एक कंडीशन रख सकते थे, खैर अगर आप अपने प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो आप ऐसा कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और फिर से हम एक नंबर पर जाते हैं और यहाँ पर मोडिफिकेशन करते हैं। एज वी नो दैट कि हमारे पास कोई आईडी नहीं है, क्योंकि हम आईडी खुद से ही जनरेट कर रहे हैं। हम अपने सिस्टम के अंदर ही मूवी जैसे ही एंटर हुई उसको एक यूनिक आईडी मिल गई, ठीक है। तो 14 नंबर इसकी आईडी है, तो मैं इसको चेंज करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अब इसको पूरी डिटेल बता रहा है कि आप इसकी जगह क्या नाम है जो नया देना चाहते हैं। तो मैं मान लो तेरे नाम, मेरे इससे आ गया याद है ना, तेरे नाम देना चाहती हूँ, और मैंने इसको नाम दे दिया ईयर। मुझे भी नहीं पता, बट मैंने ऐसे रैंडमली ईयर उठा के डाल दिया, ठीक है। तो मूवी डेटा इज चेंज सक्सेसफुली, तो आप अपनी सीएसवी में देखोगे तो आप इस चेंज को यहाँ पर है जो पाओगे, ठीक है। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं और एक को दोबारा एंटर करते हैं, और अगर मुझे अब रिमूव करना है तो उसके लिए जैसे मैंने 14 ही नंबर डाल दिया दोबारा से, तो ये मूवी मुझसे पूछ रहा है कि भाई किसको डिलीट करनी है, तो आई एम प्रेसिंग वाई यानी कि येस, तो ऑफकोर्स ये रिमूव हो चुकी है, ठीक है। अब हम दोबारा से एक पर जाएंगे और 4 एंटर करेंगे। अब 4 ही मुझे पूछ रहा है कि आपको व्यू करनी है मूवी की इन्फॉर्मेशन, बट आप बताइए कि आपको मूवी की आईडी के थ्रू करनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग मान लो बैंक में ही जा रहे हैं और हमसे पूछा कि भाई आपका खाता नंबर क्या है, तुमने आया याद नहीं है मुझे, है ना। तो वो आपसे नाम या कुछ आपके आधार कार्ड या कुछ एक्सटर्नल जो एक्स्ट्रा डिटेल होती है वो आपसे पूछते हैं, है ना, फिर उसके थ्रू वो चीज़ को निकाला जाता है। तो ऐसे ही आपके पास में यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप उस मूवी को सर्च कर पा रहे हैं, है ना। तो इफ़ यू रिमेंबर मूवीज आईडी, मूवीज टाइटल, जेनर, या फिर सारी मूवीज आपको देखनी है, या फिर आप मूवीज के ग्रुप बना रहे हो जेनर वाइज, है ना। तो इसको देखते हैं कि क्या है। लेट सपोज 1, तो मैं 12 एंटर करती हूँ, तो 12 नंबर मूवी मुझे यहाँ पर बता दी कि हैरी पॉटर, तो इस तरीके से। अब मैं दोबारा से 1 एंटर करके और 4 पर जाती हूँ, और मुझे अफकॉर्स 2 एंटर करना है, क्योंकि मूवी का टाइटल, तो मुझे मूवी का टाइटल यहाँ पर याद नहीं है, तो मैं कुछ भी ले लेती हूँ, कार्स ले लेते हैं मूवी, है ना। पता नहीं ये मूवी है भी कि नहीं, बट येस। तो ये बता दिया कि एक एनिमेशन मूवी है और इसकी आईडी ये है, इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अब हम 3 को एंटर करेंगे, एंड 3 में हम ड्रामा डाल सकते थे, मैंने रोमांस डाल दिया। तो आपके पास में ये सारी की सारी मूवी आ गई थी, रोमांटिक मूवीज आपके पास लिस्ट के अंदर पड़ी। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम सारी मूवीज़ को देखना चाहते हैं, तो अभी तक आपके पास में जो डेटा है मूवीज़ का वो ये सारा है, सुपर कूल है। अब फिर हम जाते हैं कि हम जितनी भी हमारे पास मूवीज़ हैं उनके अलग अलग ग्रुप्स बन जाएं, जैसे एनिमेशन की कितनी मूवी है, ड्रामा की या फैंटेसी कितनी मूवी है, तो वो सारी आपके पास इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो रही है। इसको और बेहतर तरीके से डिस्प्ले कराया जा सकता था, बट बच्चे ने खाली एक बस प्रोग्राम लिखा और आपको डिस्प्ले हो गया। हाँ, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है प्रिंट होने का, उसको थोड़ा सा चेंज किया जा सकता था ताकि आम यूज़र को वो चीज़ समझ में आ पाती। इट्स ओके, हम 1 पर एंटर करते हैं। अब हमें सिर्फ 5 एंटर करना, 5 किया क्योंकि चेक हो जाएगा इससे कि एग्जिस्ट वाला चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इट मीन्स कि हमने मूवी ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है, सुपर कूल है। अब हम 2 को एंटर करते हैं, और जैसे 2 एंटर किया तो आपको पता है कि इसमें कस्टमर ऑपरेशन आपके पास में आने वाला है, ठीक है। तो अब आप एड अ न्यू कस्टमर, वही सारी चीज़ें दोबारा चल पड़ी हैं जो आप मूवी के लिए थे, है ना। तो ठीक है, अब हम 1 एंटर करते हैं, नया कस्टमर, मैंने मान लो ओपी टोपी लिख दिया, और मैंने मान लो कुछ और लिख दिया, फ़ोन नंबर, सॉरी मैंने 2 बार एंटर कर दिया और एंटर नहीं कर पाई, इट्स ओके। अब मैंने किया hotmail.com, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये खाली आ जाना चाहिए, ठीक है, एक बार देखते हैं कस्टमर नाम की टेबल के अंदर, येस दैट इज एम्प्टी, ठीक है। आप जैसे मेरे से, तो चलो ये गलती से हो गया, बट मान लीजिए कोई एक ऐसा ऑप्शन जो रह जाता है वहाँ पर, डिफॉल्ट वैल्यूज भी सेट हो सकती थी। ये मैं एक जनरल आपको आइडिया दे रही हूँ कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इन चीज़ों को ऐड कर रहे हैं
तो जैसे मैंने यहाँ पर बाय चांस दो बार एंटर प्रेस कर दिया, तो हो सकता है आपके प्रोजेक्ट में भी हो, तो आपको डिफॉल्ट वैल्यूज का एक ऑप्शन दे रही हूँ कि आपको कर सकते हो। खैर अपने आगे चलेंगे, इस बच्चे ने आगे प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया है उसको देखते हैं। अब दो एंटर करा हमने, कस्टमर का डेटा देख लिया है। अब मैं दो पर जा रही हूँ, मोडिफाई कस्टमर इन्फॉर्मेशन। सो मेरे को यहाँ पर कस्टमर की आईडी यहाँ पर बतानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर मान लो C12 लिखा, जो हाल फिलहाल में आपका कस्टमर ऐड हुआ है, तो इसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। लेट सपोज लास्ट टाइम मैंने उसका ईमेल आईडी नहीं एंटर किया था, तो इस बार कर देते हैं। खैर मैंने उसका नाम ही चेंज कर दिया, ठीक है, और फोन नंबर था या ईमेल आईडी, वट एवर, ओके। हाँ यहाँ पर एक और कंडीशन लग सकती थी कि अगर यूज़र 10 डिजिट से ज़्यादा या कम एंटर करे मोबाइल नंबर के लिए, तो भी आप उसको जो है एरर, जो वार्निंग या कुछ ऐसा दे सकते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हम इसको रन करते जा रहे हैं ना, तो आप कह लो कि रियल लाइफ सिचुएशन वाली जो प्रॉब्लम्स हमें फेस हो सकती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में, वो हमको यहाँ पर भी हो रही है। तो वो सारी चीज़ें आप अपने प्रोग्राम के अंदर डाल सकते हो। ओके तो अब मैंने ईमेल एंटर किया यहाँ पर, ओके तो यहाँ पर ईमेल हो गया। तो डेटा इज सक्सेसफुली चेंज, ऑफकोर्स यहाँ पर देखो आपका डेटा लास्ट टोपी कोटा चेंज हो चुका है। अब मैं एंटर करती हूँ दो, एंड दिस टाइम आई वॉन्ट टू रिमूव, ओके तो मैंने C12 किया। इट इज़ आस्किंग डू यू वॉन्ट टू रिमूव इट, आई सेड नो, तो नहीं होगा रिमूव क्योंकि मैंने N एंटर किया। अब मैं यहाँ पर चार एंटर करती हूँ, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन देखना चाहती हूँ, तो मैंने C12 किया। तो ये एक पर्टिकुलर आपको इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, आप जैसे आपने मूवी वाले में चेंजेस किए थे कि आपको कैसे देखनी है इन्फॉर्मेशन, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है, जनरल वाइज देखनी है, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो कि रिसेंटली मेरी मूवी किसने ली है, या फिर ये वाली मूवी किस किस के पास में है, वो शायद आएगा भी मेरे ख्याल से आगे। बट ये आप इसमें और ऑप्शन डाल सकते थे, अब ये आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को किस तरीके से आगे प्रोसीड करते हैं। ओके तो अब मैं इसमें एंटर करूँगी एंड दो एंटर करूँगी दोबारा से, पांच मैंने किया। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास में फीडबैक का, तो मैंने C12 एंटर किया। ओके तो मैं यहाँ पर एक फीडबैक है जो छोड़ करके जाऊँगी, रेटिंग मैं मान लो 5 ही देती हूँ, एंड कमेंट लिख देती हूँ मान लो गुड, एंड दिस इज आर फीडबैक। तो ऑब्वियसली फीडबैक नाम की टेबल के अंदर जाकर के स्टोर होना चाहिए, यस, ठीक है। इसमें एक और चीज़ करते हैं, जैसे कि C12 तो कस्टमर था आपके पास में, अब अगर मैं मान लो लेट मी एंटर इट अगेन, मैं 5, और मैं यहाँ पर C56 कर दूँ, तो यस दैट आई वॉन्ट टू नो कि वो कस्टमर जो हमारी टेबल के अंदर हैं, मतलब जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनको हम सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं, वही लोग क्यों ना फीडबैक दें। ऐसा तो कोई भी आकर के इस फीडबैक है जो दे सकता है ना, या फिर हाँ तो ये वो कस्टमर एग्जिस्ट होना चाहिए। तो ये वाली चीज़ है। अब आगे चलते हैं एंड दो को एंटर करते हैं, एंड 5 देखते हैं एग्जिट काम कर रहा है। ओके सो दैट्स बैड, हाँ तो 5 5, ओके तो इसको अपने सही कर ही देते हैं उस बच्चे के लिए। ओके तो ये 5 5 दो बार हो चुका है, नहीं तो ये जाएगा ही नहीं नीचे एग्जिट वाले पर, है ना। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को बार बार करना ज़रूरी था। ओके फीडबैक के बाद में, ओके सो इसको पीछे किया एंड 6 किया, ठीक है। तो अब अपने इसको एंटर करते हैं, ठीक है, एंड यूज़र आईडी, लेट मी एंटर अगेन, इट वाज आई थिंक या, सो अगेन 2, एंड दिस टाइम आई एम गोना प्रेस 6। ओके तो ये तो बाहर ही आ गया उससे, क्या मैंने उस इफ कंडीशन को बहुत ज़्यादा निकाल दिया था, एक सेकेंड, हमारे पास ये जो इफ कंडीशन है ना, एक सेकेंड, हाँ ये इसके नीचे आना चाहिए, इंडेंटेशन के नीचे। तो मैंने क्या उसको साइड में कर दिया था, 4 हो गया, 5 हो गया, और जो 6 वाला आ रहा है, नहीं दैट इज टोटली फाइन, ओके नहीं इसमें आप ब्रेक कर रहे हो तो आप लूप से बाहर आ रहे हो, तो उसके लिए काम कर सकते हैं अपने, ठीक है। सो यस नाउ लेट मी एंटर अगेन ABC 1 2 3 एंड दिस टाइम 2 एंड 6, ठीक है, यस ओके। सो 3 एंटर करते हैं, रेंटल टेबल है जो उसके अंदर चीज़ें जाएंगी, रेंट अ मूवी। तो अब मूवी आईडी मुझे यहाँ पर बताने की, भाई मुझको ये वाली मूवी लेनी है रेंट के ऊपर,
एंड लेट सपोज कि आई एम गोइंग टू एंटर देयर 13, ठीक है, 13 मैं एंटर करती हूँ. ओके एंड कस्टमर आई डी लेट सपोज C2, मूवी रेंटेड सक्सेसफुली. तो ऑब्वियसली रेंटल टेबल के अंदर ये चेंज आ चुका है, सुपर कूल है. अब हम एंटर करते हैं 3 करते हैं और रिटर्न करते हैं एंड लेट सपोज 13 मूवी रिटर्न सक्सेसफुली. ओके देखो आप रेंटेड के अंदर 13 हो चुका है रिमूव, सुपर कूल है. अब वापस आते हैं और 3 को एंटर दोबारा किया जाता है एंड अब रिटर्न के बाद में 3 एंटर करते हैं व्यू रेंटल हिस्ट्री. लेट सपोज C2, तो दिस इज कमिंग. ओके देन अगेन 3 एंड 3 हो चुका है, 4 एंटर करते हैं. तो टॉप 5 मूवीज ऑन रेंट, ये वाली मूवीज जो ज़्यादा हैं जो रेंट पर जा चुकी हैं. ओके देन 3 एंड देन 5 एंटर करते हैं मोस्ट रीसेंट अभी अभी कार्स. ओके देन आप 3 एंटर करते हैं एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू एंटर 6. ओके तो हम वापस आ चुके हैं, सुपर कूल है. अब हम 3 के बाद में 4 एंटर करते हैं एंड ओके तो एड आर न्यू एम्प्लॉय. जैसे मैंने एक सेकेंड 1 एंटर किया, ओपी किया एंड पोस्ट, ठीक है एंड यस. अब मैं कंटिन्यू करती हूँ, 4 एंटर करती हूँ एंड 2 एंटर करती हूँ. अब मुझे आईडी नहीं मालूम है तो वो मैं इस टेबल से देख लेती हूँ. ओके ठीक है, तो मैं 10 एंटर कर देती हूँ, ठीक है. ओके तो अब मैंने कहा ठीक है एम्प्लॉय का नेम, तो मैंने एंटर कर दिया. पोस्ट लिस्ट सपोज, ठीक है ओके तो दिस इज सक्सेसफुली चेंज, ठीक है. आई एम गोइंग टू एंटर अगेन 4 एंड दिस टाइम 3, ठीक है. आई डोंट नो द एम्प्लॉय आई डी, दोबारा भूल गए. तो 10 एंटर करते हैं. डू यू वॉन्ट टू रिमूव इट, ठीक है येस आई वॉन्ट टू रिमूव इट. तो इट्स सक्सेसफुली रिमूव, ठीक है. ओके देन 4 एंड अब 4 एंटर करते हैं. विच एम्प्लॉय दैट यू वॉन्ट टू सी, लेट सपोज 1, तो आपके पास में आ गया. अब हम 4 को ही दोबारा एंटर करते हैं, 5 से हम लोग एग्जिट हो जाते हैं. अब 5 नंबर डेटा विजुअलाइजेशन का आपके पास में ऑप्शन है जो आएगा, ठीक है. ओके ये आपको नहीं लगता, ये जो ऑप्शंस हैं 1 2 3 7 आ गया और 4 5 6 8 आ गया है ना. ओके चलो इट्स ओके, ये चीज़ें सही हो सकती थी. बाकी हम 5 पर करते हैं तो ये नंबर ऑफ मूवीज रिलीज्ड ईच ईयर आ गया आपके पास में, ठीक है. तो ये कितनी मूवीज कौन कौन से साल में रिलीज हुई, इसका कोई सेंस लॉजिक बैठता नहीं है, बट फिर भी दो में क्या आ रहा है, नंबर ऑफ कस्टमर इन ईच एड्रेस. ओके इस एड्रेस पर इतने इतने कस्टमर हैं आपके पास में, तो जो बाहर ग्राफ से डिस्प्ले हो यदि मतलब बच्चा शो करा रहा है. देन मैंने 3 एंटर किया, तो 3 में क्या है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंटेड मूवीज. ओके तो मूवी आई डी, आपको नहीं लगता कि इसमें कोई सेंस नहीं बैठता, आप यहाँ पर नीचे नहीं, क्योंकि मूवी आईडी का क्या ही डिस्ट्रीब्यूशन आप जो करोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर ऑफ रेंटल्स, नहीं इसको थोड़ा इंप्रूव करने की ज़रूरत है. यहाँ पर कुछ और सोचा जा सकता है हिस्टोग्राम को डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है. आप यहाँ नीचे ईयर ले सकते हो और ईयर वाइज आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि कितनी मूवीज इस साल के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक रिलीज हुई है ना. इस पर्टिकुलर जो आपका कोड है अभी तक जितनी चीज़ें जानी है उसके हिसाब से, बाकी और चीज़ें हो सकती है. तो इसको थोड़ा सा आप जब करोगे तो आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है. और जो ग्राफ का डिस्प्ले हो रहा है उस पर भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट है जो की जा सकती है, क्योंकि आपके पास जो चैप्टर है उसमें जो कस्टमाइजेशन है आपके ग्राफ का बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पुट हो सकती हैं, यानी कि आप अगर नंबर ऑफ लाइन्स इंक्रीज करना चाहते हो तो दिस इज बेस्ट कि आप इसमें चेंज काफ़ी सारा करके इंक्रीज कर सकते हो. अब हम एंटर करते हैं 6, तो मैं वापस आ जाऊंगी थैंक यू बोल करके, बट क्योंकि तो मैं और काम करना चाहती हूँ. 1 2 3 एंड अब मैंने 7 एंटर किया तो एक हेल्पलाइन आपके पास में आ गया, ठीक है ये भी कूल है. एंड अब मैं मान लीजिए 8 एंटर करती हूँ, तो 8 में इस प्रोजेक्ट के बारे में चीज़ें हैं जो आ चुकी हैं, ठीक है. तो ये जिस भी बच्चे का प्रोजेक्ट उसने दिया है एंड यस मूवी मानिया, ठीक है ओके. हाँ इसको और इंक्रीज किया जा सकता है, बट इट्स ओके दैट इज़ टोटली फाइन, बहुत अच्छे से किया है. ओके तो यस ये आपका प्रोजेक्ट रहा यहाँ पर, और एक बार मैं आपको इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल डिस्प्ले करा देती हूँ, ठीक है. आप इसको बिल्कुल जो है धीरे धीरे देख सकते हो, ठीक है. यस काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बच्चों ने बहुत अच्छी की हैं, जो कि चेंजेस हो रहे हैं फाइल्स के अंदर.
एंड सेकंड चीज, यहाँ पर और इम्प्रूव की जा सकती है चीज़ें, है ना, क्योंकि परफेक्शन तो आप कह लो कि एक तरीके से है ना आता ही जाएगा ना। हम इंसान भी अगर अपने आप को कंपेयर करें, अभी 2024 आ चुका है 23 से, तो कितनी सारी चीज़ें हम अपने आप में ही परफेक्शन में ला चुके हैं, परफेक्ट कर चुके हैं। ये तो खैर प्रोजेक्ट है। ओके, सो यस, ऑल द बेस्ट आप लोगों के प्रैक्टिकल्स के लिए। एंड यस, आई होप आपको इस प्रोजेक्ट से बहुत हेल्प मिली होगी। कोई भी प्रोजेक्ट उठा लीजिए, आप उसको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करिए कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो अगर आप बींग मतलब एक यूज़र अगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप एज ए मतलब आपका आप मतलब आप उसको एज ए आप कह लो कि भाई जैसे मेरी कंपनी है, तो मैं खुद अगर अपने एम्प्लॉयज़ का डेटा उसके अंदर, मैनेजर या कुछ भी आप कह लीजिए ना, जैसे बैंक मैनेजर है तो बैंक मैनेजर उसको यूज़ कर रहा है, तो आप किसी भी तरीके की सोच रखते हुए इस प्रोजेक्ट को जब करेंगे, तो आप उसको बिल्कुल जीरो से देखो कि अरे इसके 360 डिग्री पर क्या क्या चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को करते करते मेरे पास हज़ारों आइडियाज़ हैं जो आ चुके हैं। ओके, तो यस, आप इसको स्टार्ट करिए। और ठीक है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कोई और प्रोजेक्ट जो चाहिए, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, एंड चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, एंड यस सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।